मेरे किसान भाइयों, जो आज हम बात करने वाले हैं, एक बात करने वाले हैं जो हमारे धान में जितने भी खरपतवार होते हैं उनको कैसे नष्ट किया जाए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर हसन रजा। मेरे किसान भाइयों, आजकल क्या रहता है कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं बहुत सारी गलतियां करते हैं कि हमें दवाई कैसे प्रयोग करना है। कभी ऐसा होता है कि दुकानदार को भी ज़्यादा नॉलेज नहीं हो पाती है, जो लगवाने के बाद में इफ़ेक्ट पहुँच जाता है। तो उसी पूरी डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं मेरे किसान भाइयों। तो सबसे पहला जो हम जानकारी लेने वाले हैं, अपने किसान दर्शकों को बताने वाले हैं, वो बताने वाले हैं राइस बैग के बारे में। मेरे किसान साथी, सवाल कंपनी है, बहुत बेहतर कंपनी है। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है और कहाँ तक, कौन से हर्बिसाइडों को कंट्रोल करता है और कौन से, मतलब कितने दिन के धानों में लगाना चाहिए या डोज क्या रहनी चाहिए, सारी डिटेल के बारे में हमारे साथ बताने वाले। तो सर, हमें ये बताइए, हमें इसकी प्रोडक्ट के बारे में कैसे यूज़ करना है, कितना लगाना है। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं ये सवाल कंपनी की राइस बैग के बारे में, जिसमें टेक्निकल बिस्पायरीफेट सोडियम होता है और ये अपना काम करता है झरुआ सही पे काम करता है, जो कि संकरी पत्ती में आते हैं। और किसान भाइयों, इसके साथ में हम लगा सकते हैं पायराजो सल्फुरान लगा सकते हैं मोथे के लिए, या क्लोरोमुरोन और अपना मैट सल्फुरान मिथाइल लगा सकते हैं अन्य घासों के लिए। ये झरुआ सही पे ये बढ़िया काम करता है अपना। और इसकी डोज जो लगानी है हमने खेत में पर एकड़ लगानी है 100 से 120 ग्राम, कुछ कंडीशन के हिसाब से या क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से कई जगह पे 150 ml तक भी इसे लगा सकते हैं, ये सेफ़ है। जो कंपनी रिकमेंडेड करती है उसकी डोज वो 100 ग्राम प्रति एकड़ की है, 100 ml। और इसे लगाना हमने घास की 2 से 3 पत्ती की अवस्था जब होती है उस टाइम पे इसे लगाना है, और कट नोजल से लगाना है। कई किसान भाई हमारे ये करते हैं कि वो बड़े फुहारे से या टैंक से स्प्रे करा देते हैं, तो वो हमने नहीं कराना है, इसे कट नोजल से कराना है और हाथ वाले पंप से करानी है। और अगर अपने खेत में इसके अलावा अन्य कोई घासें हैं तो उसके लिए हम अडामा कंपनी का ब्राजर ले सकते हैं, जिसमें मैट सल्फुरान मिथाइल और क्लोरोमोरोन होती है। ये मिर्ची घास, मोथा या जो भी अन्य घास हैं उन पे उन्हें कंट्रोल करता है ये। तो सभी किसान भाई राइस बैग का उपयोग करें अपने खेत में और घासों पे पूरी तरह से अपने खेत में नियंत्रित करें। और ये हमारे किसान भाइयों को कितना का खर्च पड़ेगा प्रति एकड़? इसका प्रति एकड़ का खर्च राइस बैग का आता है अपना 300 से 350 रुपये प्रति एकड़ का। अगर इसमें पायराजो सल्फुरान या अपना कोई दूसरा वो लगाते हैं तो उसका 100 से 150 रुपये और आता है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग उससे आता है। तो ये मेरे किसान साथियों, हमने बात की थी हमारे धान में जितने भी खरपतवार हैं उसके बारे में, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा अटैक है, हर्बिसाइड का यूज़ हो रहा है। जहाँ तक मेरे किसान साथी है, वो ज़्यादातर ये रहता है कि हमारे धान में फ़र्क भी नहीं पड़े और हमारे जितना हर्बिसाइड उसमें पैदा हुआ है, जितना भी हमारा चौड़ी पत्ती का है या आपका मोथा है, वो सारा कंट्रोल हो जाए और हमारे धान पे कोई इफेक्ट भी नहीं पहुँचे। तो आपको क्या करना है, आपको जो लगाना है वो राइस बैग लगाना है, सवाल कंपनी का, बहुत ही बेहतर रिजल्ट देता है। ये खुद के खेत में भी प्रयोग किया है और हमारे किसान भाइयों के खेत में भी प्रयोग करवाया है। तो रिज़ल्ट लेने के बाद में आपको रिकमेंडेड किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। तो मेरे किसान साथियों, और बाकी जो आपको स्प्रे के लिए पानी लेना है वो लेना, 200 से 250 लीटर पर एकड़ में आपको स्प्रे करना है। तो ये मेरे किसान भाइयों को थोड़ी जानकारी थी जो संकरी पत्ती के लिए या चौड़ी पत्ती के लिए, जो भी जितने खरपतवार होते हैं उसके बारे में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।